बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करम फरमाए। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे गन्ने से रस कैसे निकलती है और फिर रस से गुड़ कैसे बनाया जाता है। वो मेरे पीछे पीटर पे वेलना चल रहा है जहाँ जिसमें गन्ने की रस निकाली जा रही है, तो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बियर ये पीटर पे वेलना चल रहा है। गन्नों का रस निकाला जा रहा है। मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। ये वेलने में गन्ने लगाए जा रहे हैं। आग जलाई जाएगी। व्यूअर्स, कड़ा के नीचे आग जला दी गई है। जिस कड़ा में गन्ने का रस डाला गया था, ये देखें जी, इधर से गन्ने का छिलका इसमें डाला जाता है। छिलके को चूरा भी कहते हैं। गन्ने का जो छिलका होता है इसको धूप में सुखा लिया जाता है। ये देखें, ये ढेर की शक्ल में पड़ा है, इसको सुखा लिया जाता है। बाद में ये आग जलाने के काम आता है। ये देखें, ये चूरे के ज़रिए आग जलाई जा रही है।
है ये जगह जहाँ से ये चूरे की या गन्ने के छिलके की जो आग जलने के बाद राख होती है वो निकाली जाती है। ये है जी इसकी चिमनी कहते हैं इसे उर्दू में, पंजाबी में लुम्बी कहते हैं। ये धुआं होता है आग का वो यहाँ से निकलता है। ये देखिए ये जी अब रस गर्म होना शुरू हो गई है और उसके ऊपर झाग बन रही है। झाग में जो मैल वगैरह होती है गन्ने के रस में वो ऊपर आ जाती है, तो उसको निकाल के एक चाटी रखी हुई है उसमें डाला जा रहा है। मैल निकाली जा रही है, इन्होंने बड़ा सा एक चमचा रखा हुआ है जाली वाला। रस पक के तैयार हो चुकी है गुड़ के लिए। ये अब इसको निकाला जा रहा है कड़ा से और ये लकड़ी का ट्रे टाइप बनाया हुआ है उन्होंने, इसे कंड कहते हैं, इसमें डाला जा रहा है। थोड़ा ठंडा किया जाएगा फिर इसकी छोटे छोटे टुकड़े या पीसियों में बनाया जाएगा। गुड़ में डाले जाएंगे, मेवे वाला गुड़ बनाया जाएगा। मेवे जो है उनको मिक्स किया जा रहा है, तिल है, किशमिश है, गरी है, मूंगफली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।